दल की बैठक में कल से नीतीश कुमार काफी गुस्से में दिखाई दिए। वजह थी आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की अमित शाह के साथ तस्वीर। सीएम नीतीश ने न सिर्फ सुनील सिंह की क्लास लगा दी बल्कि आरजेडी कुनबे के एक ऐसे भरोसेमंद नेता को एनडीए का मुखबिर करार देने की कोशिश भी की। लालू नीतीश की दोस्ती में अमित शाह की एंट्री। सीएम नीतीश गुस्से से लाल, सुनील सिंह से सवाल। शाह से साठ गांठ का आरोप, सीएम का मास्टर स्ट्रोक। बिहार में नीतीश सरकार हिचकोले ले रही है। महागठबंधन के मझधार में नीतीश सरकार ऐसे फंस गई है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन के अंदरूनी कलह में अब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की एंट्री हो गई है और इसी बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हथियार बना लिया है। दरअसल सोमवार को महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक में महागठबंधन में अंदरूनी कलह की खबरों से तिलमिलाए सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की क्लास लगा दी। पूछा, आप अमित शाह से क्यों मिले? क्या बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? अगर आपको जाना है तो जाइए। बैठक में आरजेडी एमएलसी पर सीएम नीतीश कुमार गुस्से से लाल थे तो सुनील सिंह भी तीखे तेवर में नजर आ रहे थे। स्थिति बिगड़ती देख खुद तेजस्वी यादव को बीच बचाव करना पड़ा। नीतीश कुमार ने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की ऐसी क्लास लगाई कि सभी देखते रह गए। न सिर्फ आरजेडी बल्कि कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के गुस्से की वजह समझिए। एक दिन पहले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सवाल किया था। लिखा था, देश का सबसे अविश्वसनीय राजनेता कौन है? लोगों ने जवाब दिया था, नीतीश कुमार। इस सवाल के बाद से ही माना जा रहा था कि बिहार में 2017 वाले हालात बन रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुनील सिंह की क्लास लगा दी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुस्से का सियासी मायने समझिए। सुनील सिंह लालू यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं, राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं, तेजस्वी यादव सुनील सिंह का सम्मान करते हैं। यानी नीतीश कुमार ने ऐसे शख्स पर अमित शाह से साठगांठ का आरोप लगाया है जो आरजेडी परिवार के न सिर्फ अहम हिस्सा हैं बल्कि बेहद करीबी भी। नीतीश कुमार ने एक तीर से दो निशाना साधा है। एक तो सुनील सिंह की बोलती बंद कर दी, दूसरा आरजेडी कुनबे पर यह आरोप लगा दिया कि वो एनडीए के करीब है। जो आरोप जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक नीतीश कुमार पर लगा रहे थे, वही आरोप नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी के नेता पर लगा दिया। यानी मंत्री चंद्रशेखर और के पाठक से शुरू हुआ विवाद सुलझा नहीं है बल्कि सुलग रहा है। हालांकि महागठबंधन भरसक कोशिश कर रहा है कि हम एक हैं। प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।